हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हम लोग को कभी कभी क्लाइंट क्या करता है कि हम लोग क्लाइंट के पास फाइल नहीं होती है, ऑटोकैड की फाइल सिर्फ लोगों के पास होता है इमेज या पीडीएफ फाइल। तो फिर हम लोग उसके ऊपर 3D कैसे बनाएंगे बिना ऑटोकैड फाइल के, सिर्फ इमेज को हम लोग कैसे ट्रेस करके, कैसे हम लोग इमेज से मेजरमेंट के थ्रू कैसे हम लोग उसका इंटीरियर कैसे डिजाइन करेंगे। ओके, इंटीरियर हो गया, जैसे एक्सटीरियर कोई भी इमेज हो गया, तो उसको उसके थ्रू हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं अभी इसके अंदर बताने वाला हूँ, जो ये एरिया जो है इसको मैं क्रॉप करके निकालता हूँ। इसको क्रॉप करके कैसे निकालना है, इसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा, आप फोटोशॉप से भी क्रॉप कर सकते हो। एक आपने MS Office इंस्टॉल किया होगा 2010 का, तो उसके अंदर एक एडिटर होता है फोटो को एडिट करने का, तो उसको मैं ओपन करता हूँ, उससे आसानी से एडिट हो जाता है। ओके, ये है। तो अभी मेरे को इसको क्रॉप करना है, तो क्रॉप करना है तो इसमें है पिक्चर्स में क्रॉप, मुझे क्रॉप कौन सा वाला पार्ट करना है। मुझे ये वाला पार्ट क्रॉप करना है, ठीक है। अभी इसको हम लोग थोड़ा सा, ठीक है वैसे साइज में इसको कर देते हैं एक प्रॉपर 40। ओके, और यहाँ से यहाँ तक इसका साइज कितना होना चाहिए, इसको मैं कर देता हूँ कुछ प्रॉपर करता हूँ, या फिर नहीं तो ऐसे एक इसको करते हैं 800 कर देते हैं, थोड़ा ठीक रहेगा। फिर इसको करते हैं हम लोग क्रॉप, इमेज साइज बन रहा है इतना 499 425। ओके, तो इसको करते हैं सेव, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अभी जो सेव किया तो उससे क्या हुआ कि जो है मेरा इधर पे, ओके ये देखिए इधर पे सेव हो गया मेरा, ये तो ये थोड़ा नज़र नहीं आ रहे हम। ओके ठीक है, अभी इस इमेज को मैं कैसे 3D Max में लेके जाके इसको काम करूँगा, तो उसके लिए प्रोसेस क्या है, उसके लिए प्रोसेस है कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग को लेना है एक प्लेन, जो मैं सेंटीमीटर के हिसाब से काम कर रहा हूँ, तो मैं पहले जैसा इमेज है वो सेंटीमीटर अभी मत देखेंगे, अभी सेंटीमीटर के हिसाब से मैंने सेट कर दिया हूँ। आपका यूनिट सेटअप भी मैं सेंटीमीटर में ही ज़्यादातर काम करता हूँ, तो यूनिट सेटअप भी मैं सेंटीमीटर में ही रखता हूँ, इधर पे सिस्टम में भी सेंटीमीटर ये रखना ठीक रहता है ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ओके डन, तो अभी मेरा जो इमेज है, पहले इमेज के हिसाब से इमेज का साइज क्या है, इमेज की डिटेलिंग देखेंगे तो 599 और 425 पिक्सल का है, ठीक है। तो पहले उतना ही सेंटीमीटर का ले लेते हैं हम लोग, इसको करते हैं 599 और 425, ठीक है। ये सिर्फ इमेज को प्रॉपर तरीके से अप्लाई करने का तरीका है, आप डायरेक्टली यहाँ से ड्रैग करके भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इधर पे क्या हुआ, थोड़ा इसको रोटेट करना पड़ेगा, तो मैं इसको पिक कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसको करता हूँ 90 डिग्री रोटेट। ओके डन, ये हो गया प्रॉपर तरीके से इमेज जैसा है, वैसे का वैसे साइज में आ गया है, मगर अभी भी इसके मेजरमेंट के हिसाब से इसको सेट करना पड़ेगा। जैसे ये 8 फीट बाय 10 फीट का किचन है, तो 8 फीट बाय 10 फीट का किचन का एरिया ये होना चाहिए, तो इसको मेजर करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग को जाना पड़ेगा गूगल पे, गूगल पे सर्च करता हूँ फिट टू सेंटीमीटर, ठीक है। तो इधर पे है मेरे को क्या चाहिए, 8 फिट, इसको मैंने कॉपी किया,
क्योंकि मैं सेंटीमीटर में काम कर रहा हूँ, तो मैं इधर पे सेंटीमीटर की वैल्यू डालूंगा, तो इससे मुझे पता चलेगा मेरा कितना बड़ा है ये। ठीक है, तो इसको मुझे करना है 8 फीट। ओके, मेरा 8 फीट इतना हो रहा है और ये 10 फीट ये है, डन। तो 8 फीट इतना है, तो इसमें 8 फीट का एरिया इतना है, क्योंकि मेरे को इसको स्केल करना पड़ेगा उतना फिर। तो मैं इसका पहले एरिया देख लेता हूँ, ये कितना बड़ा आ रहा है इसमें। ओके, अभी इसके अंदर मेरा जो ये मेजरमेंट है, ये मुझे कितना मिला है, ये मुझे मिला है लगभग ओके 133948 सेंटीमीटर। ठीक है, मुझे फिलहाल कितना चाहिए, 243.84 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, तो उतना मुझे चाहिए। तो वो हम लोग कैसे लेके आएंगे, तो फिर उसके लिए मैंने एक पिछली बार एक वीडियो बनाया था, हम लोग को जाना होगा एक वेबसाइट है, तो वो काफ़ी अच्छे से मेज़र कर लेता है कि हम लोग को कितना करना चाहिए। उसका नाम है वोल फार्म अल्फा। ओके, ये है एक कैलकुलेटर की तरह है, काफ़ी आसानी से मैथमेटिक का जो भी डिग्रम होता है ये खुद ही कर लेता है। ठीक है, तो हम लोग को कितना चाहिए, तो इधर पे हम लोग को टाइप करना होगा, इधर पे क्या टाइप करना होगा, जो हम लोग का जैसे कि 3D Max में हम लोग को जैसे कि इसका है ये वाला 8 फीट का है, ये है 10 फीट का, मेरे को 8 फीट वाला इसमें कितना मिल रहा है, 8 फीट वाला मुझे मिल रहा है 133 इतना। ओके, तो इसको हम लोग इधर पे फिल करते हैं, फिर डिवाइड बाय 100 स्क्वायर टू, मुझे कितना चाहिए, मुझे चाहिए 8 फीट। इसको कॉपी कर लिया, फिर मैंने इधर पे पेस्ट कर लिया, ये 8 फीट है। ओके, 8 फीट का मेजर है सेंटीमीटर में, और इसको करते हैं इनटू नो सॉरी इसको करते हैं डिवाइड एंड एक्स। ओके, तो फिर हम लोग इसको करते हैं ओके डन। अब ये खुद ही कैलकुलेट करके बताएगा मुझे इसको स्केल कितना करना है, मुझे स्केल करना है कितना। ये देखिए, इधर मुझे स्केल का प्रॉपर मेजरमेंट मुझे बता दिया है इधर पे इसने, स्केल का प्रॉपर स्केल इतना रखना है। ठीक है, तो अभी हम लोग करते हैं, तो इसको मैं चाहिए तो कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से। फिर मैं चलता हूँ अपने इमेज पे, ये इमेज जो है, इमेज को मैं क्या करूँगा, स्केल करूँगा। तो स्केल करने के लिए इधर पे जब हम लोग स्केल वाले टूल पे जाते हैं, उस पर राइट क्लिक करना है, तो इस तरह से ऑफसेट स्क्रीन आएगा। ठीक है, तो फिर इधर पे वो जो अमाउंट है इधर पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, आ गया, फिर करते हैं इंटर। आपको इमेज को सिलेक्ट करके रखना है और राइट क्लिक करके इस ऑफसेट स्केल ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये स्केल ट्रांसफॉर्म टाइप का। ठीक है, तो इसके अंदर ऑफसेट स्क्रीन पे ये जो अमाउंट है जो हम लोग को मिला था यहाँ से, जो हम लोग ने निकाला था, तो वही हम लोग को यहाँ पर डाल देना है। ओह सॉरी, मेरे ख्याल से ये अभी क्योंकि मैंने अप्लाई कर दिया था तो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया। ठीक है, मैं बाहर चले गया फिर। ओके डन, तो ये देखिए अभी हम लोग चेक करेंगे, जो हम मेरा ये था जो हम लोग ने 8 फीट का निकाला था, ये प्रॉपर तरीके से अभी मेजरमेंट में आ गया है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, ये हम लोग का मेजरमेंट में आ गया है ये जो है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लॉक कर सकते हैं। हम लोग इसको सबसे पहले तो जो ये है इमेज, इसको सेंटर में होना चाहिए, इसको हम लोग सेंटर में राइट क्लिक। ठीक है, जब भी आप कोई काम करते हो तो आप अपना व्यू पोर्ट के सेंटर में ही अपने लेआउट को रखो, उससे क्या है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कभी। ठीक है, वो सेंटर में रहता है तो फिर काफी व्यू पोर्ट को हैंडल करने में भी प्रॉब्लम नहीं आती है कभी। ठीक है, कभी कभी क्या है कि अगर आप लोग सेंटर में नहीं रखते हो, कैसे भी कहीं पे भी बना देते हो, तो कभी कभी फाइल में जिटर आने लग जाता है, कहीं कहीं ऑब्जेक्ट जिटर जैसा फील होता है, जैसे कि
उसके अंदर ब्लैक कलर के स्पॉट आने लग जाते हैं, उस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए अपने जो भी है लेआउट को, या फिर आप कोई भी प्लान हो, ऑटोकैड का प्लान भी हो, तो उसको आपको सेंटर में रख के ही उस पर काम करना चाहिए। यानी कि आपको व्यूपोर्ट के सेंटर में ही सब कुछ, यानी कि सेंटर में ही आपका जो है प्लान होना चाहिए, ठीक है। ओके डन। तो अभी ये हो गया है, तो अभी इसके ऊपर हम लोग आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए, तो इसको पहले लॉक कर सकते हैं। लॉक करने के लिए इससे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले राइट क्लिक करके जो ऑब्जेक्ट का है, इधर पे ऑप्शन होता है शो फ्रीज इन ग्रे, तो इसको अनमार्क कर देते हैं, फिर ओके करते हैं। फिर इसको राइट क्लिक करके हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, फ्रीज, यहाँ से फ्रीज हो गया, ठीक है, डन। क्योंकि इसके अंदर पूरा इमेज है, तो इधर पे हम लोग को स्नैपिंग टूल तो उतना कुछ खास यूज तो पड़ेगा ही, क्योंकि जाके हम लोग को हाथ से ही ड्रॉ करना है, कुछ ऑटोकैड का इंफॉर्मेशन है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो फिर अभी ये तो हो गया इधर पे, तो हम लोग एक अलग से एक और नया ये है, तो इसको रखते हैं 3D वॉल इस तरीके से। आप अभी मेरा ये आ गया है अलग से लेयर में 3D वॉल का, मैं उधर पे मैं अपना वॉल डिजाइन करूंगा। मैं ज्यादातर अपना वॉल लाइन से डिजाइन करता हूँ, काफी इजी पड़ता है सिर्फ प्रेस करके, से क्या आपको सीधी लाइन मिल जाएगी। छोटा मोटा, मोटा पतला चलता है, अगर ज्यादा मोटा पतला नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना फर्क तो पड़ता नहीं। ठीक है, ये देखिए इधर पे ये प्रॉब्लम होती है जो हम लोग स्नैपिंग नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए हम लोग को ये लेना पड़ता है एक्सेस कंस्ट्रेंट, जो मैंने इसका भी वीडियो बनाया हो, तो ये हम लोग को स्नैपिंग करने में काफी आसानी से, ये देखिए ये कुछ हद तक ऑर्थो जैसा काम करता है, जो ऑटोकैड में ऑर्थो होता है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग करते हैं वर्टेक्स, एक ग्रिड पे सेट है वर्टेक्स, उससे अच्छे से स्नैपिंग मिल जाएगी। यस, ओके डन। तो अभी दूसरी लाइन ड्रॉ करता हूँ, अभी ये है उसका कॉलम। ये है वॉल, डन। और ये है दूसरी जो बालकनी है, तो बालकनी में तो फिलहाल उतना यूज नहीं, क्योंकि इंटीरियर डिजाइन करे तो फिर जाके इसकी उतनी जरूरत नहीं पड़ती है, तो फिर उसको बनाने का भी कुछ मतलब है नहीं। जहां पर लगता है कि थोड़ा सा क्रॉस हो गया है, तो क्रॉस को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सबको ड्रॉ करना है। थोड़ा सा मैं ये वीडियो का स्पीड बढ़ा रहा हूँ, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, तो फटाफट स्पीड बढ़ाता हूँ। ओके, ऑलमोस्ट मेरी वॉल तैयार हो गई है, तो अभी मैं इसको करता हूँ एक्सट्रूड। तो फिर करते हैं इसको एक्सट्रूड, सेलेक्ट ऑल किया, फिर इसको करता हूँ एक्सट्रूड। मुझे 10 फीट चाहिए, तो मैं 300 सेंटीमीटर रखता हूँ। ओके, इस तरह से आप किसी भी इमेज के लेआउट पे ऑटोकैड और वॉल खड़ी कर सकते हो। ये देखिए इधर थोड़ा सा टर्न मिस हो गया है, तो इसको भी मैं इधर पे सॉल्व कर देता हूँ। ये
जैसे कि मैंने इसको यही अप्लाई कर दिया हूँ, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी भी कर सकता हूँ यही, तो इसको यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्टेंस कर दिया, तो वही इंफॉर्मेशन इसको भी मिलेगी। ठीक है, फिर मैं करता हूँ सब वॉल को सेलेक्ट, सबको करता हूँ एक कलर, तो बस ओके। इस तरीके से बाकी बस नॉर्मली जैसे हम लोग करते हैं ऑटोकैड की फाइल को, यानी कि ये अभी हम लोग को वॉल खड़ा होगा, बाकी सब तो आपको पता ही होगा कि कैसे इधर विंडो डालते हैं, इधर विंडो डालना है, इधर पे सब फर्नीचर डालना है, फिर सीलिंग डिज़ाइन करना है। ओके, तो इस वीडियो में बता दिया हूँ कि कैसे आप इमेज के थ्रू वॉल खड़ी कर सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑटोकैड फाइल नहीं है तो आप इमेज से कैसे काम कर सकते हैं। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, ताकि वो भी जान सके कि हम लोग कैसे हम लोग इसको बनाते हैं, इमेज से कैसे हम लोग प्लान से हम लोग कैसे 3D बना सकते हैं, सिर्फ इमेज प्लान को हम लोग कैसे मेजरमेंट में लेके आते हैं। इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं आप लोग, तो फिर मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।